ठीक है स्टूडेंट, फिफ्थ वाला करते हैं। तो फिफ्थ में यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे उन्होंने ए रेस टू एक्स है, यहाँ पे माइनस वन है, तो इसके लिए माइनस वन लेके आना पड़ेगा। ए रेस टू साइन एक्स माइनस वन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जितना है सेम चीज़ यहाँ पे भी लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो तब वो बनेगा, और लॉग एट तब बनेगा, ठीक है। तो ऐसे फार्मूला बदलना पड़ेगा हमको, ठीक है। से बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो ये रहेगा, तब जाके लॉग एट बनेगा। यहाँ पे जो भी रहेगा, मतलब ए के लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो ए रेस टू एनी थिंग ओके माइनस वन अपॉन एनी थिंग सेम थिंग इज इक्वल टू लॉग ए बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एट रहेगा तो ये लॉग एट बनेगा, ठीक है। तो इसको पहले लिख के आना पड़ेगा, तो पहले माइनस वन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वन नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे माइनस वन प्लस वन का लॉजिक यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यूज़ करके पहले माइनस वन लेके आते हैं, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो एट रेस टू साइन एक्स माइनस वन लेके आए, और यहाँ पे भी हम प्लस वन लेना पड़ेगा, टू रेस टू टैन एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस वन लिया तो यहाँ पे प्लस वन लेंगे, डिवाइडेड बाई ई रेस टू टू एक्स माइनस वन है। तो ये पार्ट हो गया हमारे लिए, ठीक है, माइनस वन हो गया। अभी नीचे हमको एक्स चाहिए, ठीक, राइट, एक्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स है तो एक्स है तो एक्स है, तो इसके वजह से इसको पहले एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वो पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बनेगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, तो फार्मूला के हिसाब से एक्स पहले लेके आना पड़ेगा। तो लिख के आते हैं, तो बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो एट रेस टू साइन एक्स माइनस वन, एंड इसको ग्रुप कर लेते हैं माइनस, एंड इसको हम माइनस को बाहर लिया तो बचेगा टू रेस टू टैन एक्स माइनस 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 प्लस ओके अपॉन यहाँ पे एक्स आएगा, न्यूमरेटर बाय एक्स था फिर डिवाइड किया हमने, ये डिनोमिनेटर है ए रेस टू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ओके। अभी एक्स को हम ब्रेक करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, उस साइड देखते हैं, तो ठीक है। तो इसको हम अभी ये जो एक्स है इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको ए साइड लेते हैं, तो बनेगा एट रेस टू एक्स माइनस, सॉरी एट रेस टू साइन एक्स है, एट रेस टू साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस है, ब्रैकेट लेते हैं, माइनस टू रेस टू टैन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बीच में लिमिट लेते हैं, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो, अरे बाकी है ए रेस टू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, लिमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बनाएगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो ए रेस टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ए होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक एक्स के बदले में साइन एक्स है, एक्स के बदले में साइन एक्स है, ठीक है। तो हम इसको साइन एक्स लेते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा साइन एक्स, तो इसको भी बदलना पड़ेगा, ठीक है, साइन एक्स में बदलना पड़ेगा। तो इधर जो है उस सेम चीज़ को नीचे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स है, तो हमको यहाँ पे नीचे साइन एक्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमको वो एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एडजस्ट करेंगे तब जाके ये होगा। तो इसको यहाँ पे साइन एक्स है, तो इसको साइन एक्स लिख के आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टैन एक्स है, तो यहाँ पे टैन एक्स है, तो हमको टैन एक्स लिख के आना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो यह फॉर्मूला याद रख लो, तो यह बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो यहाँ पे ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए था, तो यहाँ पे टैन एक्स है, यहाँ पे टैन एक्स है, तो अगर हम उसको बदल दिया टैन एक्स से, तो इसको भी बदलना पड़ेगा टैन एक्स, तब फॉर्मूला में फिट होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर साइन एक्स चाहिए और यहाँ पर टैन एक्स चाहिए, तो पहले इसको अंदर साइन एक्स ले लेते हैं, ये बन जाएगा एट रेस टू साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर साइन एक्स लिया हमने, तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा साइन एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो एक्स है ए एक्स को इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो हमने बदल दिया एक क्वेश्चन को, साइन एक्स था तो ये अच्छे का माइनस वन था, और यहाँ पर साइन एक्स था, इसके लिए यहाँ पर साइन एक्स है, साइन एक्स चाहिए करके साइन एक्स लिया,
और यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये जो एक्स है इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वही किया। उसके बाद माइनस लिखिए, तो जिसको भी वही करना है यहाँ पे आएगा 2 रेस टू 10x माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे 10x है तो नीचे भी 10x लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10x है तो यहाँ पे 10x लिख के आते हैं, यहाँ पे 10x लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 10x लिया तो क्या बनेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10x लिया तो यहाँ पे 10x लेना पड़ेगा। और इसके बाद ये x बाकी है इसको हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा न्यूमरेटर पार्ट डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे लिमिट आएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, तो ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा जो है उसको लिख के एडजस्ट करना, ये एक्स को थोड़ा शिफ्ट करो और एक्स को थोड़ा ये साइड शिफ्ट करो, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूला में फिट हो जाए। और इसके बाद यहाँ पे ए रेस्ट टू 2x है तो यहाँ पर बनेगा ए रेस्ट टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, तो इस ये पार्ट के लिए यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला यूज करना है, राइट। बट यहाँ पे x है और यहाँ पे x था, बट यहाँ पे 2x है, ये 2 है तो यहाँ पे 2 लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे भी 2 लेगा तभी जाके फॉर्मूला में फिट होगा। तो यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पे 2 लिया तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तब ए अभी ए पूरा का फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। तो अभी एक एक करके लिखते हैं और ऐसा फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको रब करके ये सब लिखते हैं, तो ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ये पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये पार्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे साइन एक्स और नीचे साइन एक्स है तो यहाँ पे साइन एक्स लेते हैं और यहाँ पे साइन एक्स लेते हैं, ठीक है। तो लॉग ए बनेगा, बट यहाँ पे 8 है तो इसको हम 8 ले लेते हैं, तो 8 लेंगे तो ये बनेगा लॉग 8, तो यानी इसका आंसर पूरा बनेगा लॉग 8 आएगा। एंड यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स है, ये फार्मूला है 1 आएगा, तो ये बनेगा लॉग 8 एंड 1। फिर माइनस इसको भी यही करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या फार्मूला था उसको वापस लिखते हैं एंड देखते हैं क्या आएगा करके, ठीक है। यहाँ पे ए रेस टू एक्स एंड एक्स था और यहाँ पे लॉग ए था, तो यहाँ पे टैन एक्स है और नीचे भी टैन एक्स है, तो इसको हम एक्स को बदल देंगे, ये बनेगा टैन एक्स और इसको हम बदल देंगे टैन एक्स, तो लॉग ए बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे 2 है तो इसको हम 2 लेते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा लॉग 2, ओके। तो ये बनेगा लॉग 2 एंड इसका वैल्यू फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है डिवाइडेड बाय, इसको भी यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा करके, ठीक है। तो ये था हमारा ए रेस टू एक्स एंड एक्स था तो लॉग ए था, ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पे उन्होंने 2x दिया, 2x लिया तो हम इसको भी 2x कर देंगे, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी लॉग ए ही आएगा, तो ये लॉग ए आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है तो हम इसको ई में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ई, तो इसका आंसर आएगा लॉग ई एंड यहाँ पे 2 बाकी है 2, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ये रीजन लिखो, बिकॉज लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 फार्मूला है इसके लिए, इसके लिए एंड टैन एक्स अपॉन एक्स इसके लिए 1 आ गया। अभी इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा कि जब बिकॉज एक्स टेंडिंग टू 0 सो दैरफोर यहाँ पे 2x है तो 2x विल ऑल्सो टेंड टू 0, ओके। दैरफोर 2x विल ऑल्सो टेंड टू 0 एंड दैरफोर साइन एक्स भी जाएगा, इट विल ऑल्सो टेंड टू 0, ओके। साइन एक्स लिखना है यहाँ पे तो बनेगा साइन एक्स विल ऑल्सो टेंड टू 0 एंड यहाँ पे टैन एक्स है तो वो भी जाएगा, ये बनेगा टैन एक्स विल ऑल्सो टेंड टू 0, तब जाके ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके दैरफोर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 ए रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग, ठीक है। तो इतना बड़ा रीजन आएगा आपके लिए, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, अभी हो गया। इसके बाद अब इसका वैल्यू क्या क्या आ रहा है हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये बनेगा लॉग 8 माइनस लॉग 2 एंड लॉग ई का 1 होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लॉग ई इज इक्वल टू 1 मैथ अपना लॉगरिथम का फॉर्मूला, तो ये 1 आएगा, तो 1 आएगा 1 इंटू 2, ओके। तो ये हो गया, तो इसका ये आंसर इधर लिखते हैं अभी, तो ये बनेगा लॉग 8 माइनस लॉग 2 अपॉन 2, ये ऐसे आएगा, ओके। तो इसके बाद इसको हम ग्रुप भी कर सकते हैं, तो
तो अभी क्या हो जाएगा, हमको पता है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, राइट। तो इसको हम a समझेंगे, इसको हम b समझेंगे, तो ये बन जाएगा log ऑफ 8 अपॉन 2 अपॉन 2 बाकी है, राइट। तो ये हम इसको कट कर सकते हैं, तो 4 बनेगा, तो बनेगा log 4 अपॉन 2 है तो, बट 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है, तो 4 को हम बदल देंगे 2 स्क्वायर में बदलेंगे, तो बनेगा log 2 स्क्वायर, 4 को हमने 2 स्क्वायर लिखा डिवाइड बाई 2। अब ये आगे आएगा फॉर्मूला के हिसाब से आगे आएगा, तो ये बनेगा इज इक्वल टू 2 इंटू log 2 डिवाइड बाई 2, बिकॉज log रेस्ट एम एन इज इक्वल टू एन आगे आएगा, तो एन इंटू log m, ये फार्मूला है, ठीक है। इसके से ये आगे आएगा, तो इसके बाद कट कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर ये आएगा आपका log 2, तो ये फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं।